हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्न एक्सप्लोर चैनल। आज हम सीटीटी के प्रिपरेशन में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या इतना का मानक रूप है। मानक रूप निकालने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइंट वन पॉइंट पर होना चाहिए। किसी भी मानक रूप निकालने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, नंबर जो है वन पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाना चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसमें देखते हैं एक एक अंक के बाद दशमलव लाने के लिए हमको कितने अंक क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट को क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो हमारा जैसे कि जानते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ अगर मूव करते हैं तो 10^10 मेरा प्लस में जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, सभी में प्लस में है। और 9 डिजिट को क्रॉस करना है तो 10^9 और 10^9 ये दो ऑप्शन में दिया हुआ है। और इसमें क्या है, 7 पॉइंट होना चाहिए। तो इस वाले ऑप्शन में 78 दिया हुआ है, ये होगा नहीं 7 वाला, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा बी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक का स्थानीय मान हमको निकालना है। तो एक का स्थानीय मान निकालने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद जब राइट साइड में जब जाते हैं इसको 1/10, इसको 1/10 पोजीशन बोलेंगे, इसको 1/100 पोजीशन बोलेंगे। तो 1 वाला जो मेरा पोर्शन है इसको 1/100 बोलेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/100, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या है। तो अब लिख लेते हैं, उसमें देख लेते हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। इसको काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, 11 आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है, इसके मानक रूप में लिखना है और उसमें k प्लस n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। पहले मानक रूप में लिखने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, कितने अंक पर दशमलव होना चाहिए, एक अंक पर। तो देख लेते हैं कितने अंक क्रॉस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक को हमको क्रॉस करना है। इसका मतलब 10^10 कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 8.2903 × 10^8। ये तो मानक रूप में लिख लिए, तो मेरा ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसको वैल्यू, इसको बोल रहा है यहाँ पर n और इसको बोल रहा है मेरे पास, ये पूरा क्या हो जाएगा k। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ n होना चाहिए था ऊपर 10^10। तो इसको जब ऐड कर लेंगे तो ये 8 इसमें ऐड कर लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 16.2903। ऑप्शन देखते हैं, 16.2903 ऑप्शन मेरा सेकेंड है, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 5th नंबर क्वेश्चन है, इसको रोमन अंक में लिखना है। तो रोमन अंक में तो लिखना है, तो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है LXIX। तो L मतलब हो जाता है मेरा, यहाँ L का मतलब ही हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाता है मेरा 50 और X हो जाता है 10 और IX हो जाएगा मेरा 9। तो अब L 50 है, उसके बाद X दिया हुआ है 10 60 और प्लस IX 9, तो हो जाएगा मेरा 69, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 496 और 318 पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 496 और 318 इसको ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 814। तो इसका निकटतम सैकड़ा, सैकड़ा मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, आठ के बारे में निकटतम सैकड़े का मान का क्या होना था, निकटतम मान है। इससे पहले वाली संख्या देखेंगे एक है, मतलब कहने का अर्थ है कि यह 5 से छोटी है, इसका मतलब आगे इसमें ऐड नहीं होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या 7 और 13 के बीच कितना हो जाता है, 7.1, 7.2, 7.3, 7.01, 0.0। अगर ये 7 का ही लिख रहे हैं इतना लिख रहा है, उसके बाद 8, 9, 10, इसका मतलब हम उसको अनंत तक लिख सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, अनंत।
ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे जिसका फॉर्मेट कुछ अलग अलग तरह का आप शायद में भी किसी बुक में नहीं देखे होंगे, उस तरह के क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें यूनिट इकाई अंक क्या होगा हमको फाइंड करना है, तो पहले ये दो अंक को मल्टीप्लाई कर देंगे, इकाई इकाई का ही देखेंगे और नंबर की जरूरत नहीं है। 4 जा हो जाएगा 16, फिर ये दो का देख ले 25 जा हो जाएगा 10, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 6 है, 6 में फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यूनिट मेरा हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, अब 9th नंबर क्वेश्चन गिवेन है, इसमें 15th इकाई और 20 दहाई, मतलब इकाई का मतलब एक होता है 15 में एक से गुना करेंगे 15 और प्लस 20 दहाई, 20 में 10 से गुना कर देंगे और प्लस 12 सैकड़ा, मतलब 12 में हम 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 200 और ये हो जाएगा मेरा 15, तो 12 दो 1415 ऑप्शन देखते हैं ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, 4 अंकों की बृहत्तम एवं न्यूनतम संख्याओं का योग, 4 अंक की बड़ी संख्या 49 लिख सकते हैं और 4 अंक की छोटी संख्या 1/3 लिख सकते हैं, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 10 और 999 ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, मेरा सी नंबर ऑप्शन है ये हो जाएगा। उसके बाद ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो मेरा पावर होता है उसको 4 से पहले क्या करते हैं भाग करते हैं। चलिए इसमें भाग कर लेते हैं, 98 में हम 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 1 आएगा 18, 4 × 4 = हो जाएगा 16, मेरे पास 2 बच गया शेष। अब क्या करते हैं, 3 जो है मेरा आधार है उस पर 2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 9 और 9 में अब हम भाग करेंगे 5 से, ये 5 से हम 9 में अगर भाग करते हैं तो मेरे पास शेष कितना हो जाएगा 4, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या हो सकता है इसमें 4 आएगा शेष हमेशा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, -5 में से क्या घटाया जाए कि -1 होगा, तो -5 - x = -1, -5 में से क्या घटा रहा है, क्या कोई x मान ली = -1 मेरा गिवन है, तो क्या करते हैं इसमें ये वाला -x को उस साइड ले जाते हैं, तो -5 = x - 1 है, तो ये -1 को उठा के इस साइड ले जाते हैं तो -5 + 1 = x हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा -4 = x, ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन मेरा सेकंड दिया हुआ -4 ये हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं, 1 से लेकर हमारे पास दिया हुआ हंट तक में 0 कितनी बार आएगा, अब जैसा कि हम जानना है 1 से लेकर 10 तक में 0 कितना हो जाएगा, 10 में 1 हो जाएगा, 20 में 1, 30 में 1, इसी तरह मेरा 90 तक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सब में 1 आएगा प्लस 100 में कितना होता है 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 11, मेरा ऑप्शन भी 11 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या ना 14th क्वेश्चन है, इसमें 30.3 million इक्वल टू है, किसके बराबर, 1 million बराबर होता है मेरा 10 लाख, कैसे होता है इसमें देख लेते हैं, जैसे ये इंटरनेशनल सिस्टम लिखा हुआ है, जैसे कोई नंबर लिख लेते हैं हम, इसको हम पढ़ लेते हैं क्या होता है, जैसे कुछ नंबर हम लिख लिए पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000,10,00,000,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 
उसी को पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद कोमा दिया जाता है, हजार दस हजार सौ हजार, इसके बाद कोमा आ जाएगा, इसके बाद आता है मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, तो हमारे मिलियन की बात कर रहे हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दस हजार सौ हजार मिलियन, यहां तक के अंक पर हमको पहुंचना है। अब इसको इंडियन के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार दस हजार लाख दस लाख, तो मेरा दस लाख हो जाएगा, तो इसका मतलब एक मिलियन दस लाख के बराबर है, तो इसमें दस लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 30.3 मल्टीप्लाई दस लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, मतलब इस पर नंबर ऑफ जीरो कितना सिक्स है, और एक अंक पर मेरा दशमलव हटाना है, तो जीरो मेरा फाइव हो जाएगा, थ्री जीरो थ्री, इस पर वन टू थ्री फोर फाइव जीरो ही बचेगा, ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, जो फाइव जीरो वाला होगा वही आंसर रहेगा, सी हो जाएगा आंसर मेरा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, एक से लेकर 39 तक की संख्याओं का योग, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, मेरा एक से लेकर 39 तक बोला है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 39 इंटू एन प्लस वन, एन मतलब 39 प्लस वन कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 40,
बाई कर लेंगे, 2 से 40 कट जाएगा 20 टाइम्स, अब 20 में 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 78 और 1 0 1 0 780, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ नंबर 780 हो जाएगा। चलिए इसके बाद 16 क्वेश्चन है, इसमें 3.5 को अगर a मान लेते हैं तो a इंटू ए ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसमें 2.5 को अगर b मान लेते हैं तो b हो जाएगा b इंटू b हो जाएगा b स्क्वायर, हो जाएगा 2ab, तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2ab में जाते हैं, a प्लस b का फॉर्मूला होता है, तो इसमें a का वैल्यू 3.5 हो जाएगा, b का 2.5, ये दोनों का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, 3.5 और 2.5 को ऐड करेंगे हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 36 मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16, अभी नेक्स्ट आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो ज्यादातर लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहना ही है। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन लगभग आप अगर पिछले 5 साल 7 साल का क्वेश्चन उठा के देख रहे हैं उसमें से लगभग हर साल एक नए क्वेश्चन मिलेगा ही, कंफर्म रहता है, ठीक है, इस पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। क्या करेंगे इस तरह इकाई निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पावर को देखते हैं, पावर में फोर्स से हम क्या करते हैं डिवाइड, 513 में हम क्या करते हैं 4 से भाग कर लेते हैं, 541 जब 4 हो जाएगा 11 11 42 जा 8 हो जाएगा 3 हो जाएगा 33 48 जा 32 मेरा रिमाइंडर एक शेष बच गया, तो अब क्या करेंगे एक से मतलब है और यहाँ पर कितना है इसका यूनिट डिजिट मेरा यहाँ पर कितना दिया हुआ 6, तो 6 के पावर 1 = 6 हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसको एक शॉर्ट तरीका से हम बता देते हैं, अगर क्या नाम है अगर आधार का अंक अगर इकाई पर 6 होगा पावर कुछ भी रहे तो मेरा आंसर 6 हो जाएगा, इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हम अपने वीडियो में बताए हुए हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आप वहां देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा शॉर्टकट भी है तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संख्या 1 से 39 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको लास्ट में डिस्कशन करेंगे, दोनों में एक साथ डिस्कशन करेंगे तो फिर जल्दी से आसानी से समझ पाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा तो अभी मोस्टली चांस है कि आप गलत कर लीजिएगा, ठीक है, तो लास्ट में दोनों को डिस्कशन करेंगे कैसे बनेंगे दोनों को एक साथ देख लेंगे, ठीक है ना। तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, चलिए लास्ट में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, 999 से 3000 के बीच में 4 अंक की संख्या, पहले 999 3 अंक की है 4 अंक की हो जाएगा हमारा 1000 से लेकर पहले 2000 तक हम देख लेते हैं, फिर क्या करते हैं 2000 से लेकर 3000 तक, 3000 के बीच बोला है तो हमको 3000 को नहीं लेना है, अब इसमें 999 बोल रहा है तो 1000 को ले सकते हैं, तो 1000 से लेकर 2000 तक कितनी संख्या हो जाएगी मेरे पास 1001 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 1000 को इसमें ऐड कर रहे हैं, वही अगर 1000 के बाद से 2000 तक होता तो 1000 होता, ठीक है, तो 1000 को इसमें ऐड करें तो 1001 हो जाएगा, 2000 से 3000 1000 संख्या होगा, 2000 से 3000 ये मेरा फिर कितना हो जाएगा इसमें 1 इतना ही जाएगा 1001 हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे 2000 के ऊपर वाले में काउंट किए तो इसमें काउंट नहीं करेंगे, 3000 को लेना नहीं है क्योंकि इसके बीच बोला है इसको भी नहीं लेंगे, तो इसमें से 2 और कम कर देंगे, ना ही 2000 को लेंगे ना ही 3000 को, तो इसमें से 2 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यह मेरा 900 हो जाएगा, 99 या ऊपर 1001 है दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 2000, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2000। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन के कारण भी लोग गलती कर लेते हैं, काउंटिंग करने में मिस्टेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 के पावर 10 - 1, तो 2 के पावर 10 हो जाता है 1024, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 10 को तो यह हो जाएगा 1024 हो जाएगा इसको, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 2 512 into 2 1024 माइनस 1 करेंगे तो हो जाए मेरा 1023। अब इसमें अब इसको देख लेते हैं, पहले 2 से कटने के लिए विभाज के लिए पूछा है, 2 से कटने का नियम क्या होता है, लास्ट में 0 2 4 6 होना चाहिए 8 होना चाहिए, इसमें तो है ना कुछ नहीं होगा, 3 बार चेक कर लेते हैं, 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 सबको नंबर को ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6 हो रहा है जो 3 के टेबल में आएगा इसलिए 3 से कट जाएगा,
अब हमको कटने का नियम 2 से लेके 11 तक को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है -5/7 में से क्या घटाया जाए, -5/7 में से क्या घटाया जाए कि ये मेरा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5/7 माइनस क्या घटा रहे, x घटा रहे हैं मान लेते हैं, इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, -x को रहने देते हैं, इसको सेट लेते हैं, तो -x इक्वल टू -1 है, प्लस हो जाएगा 5/7 इक्वल टू इस साइड आ रहा है। अब इसका भिन्न का हम जोड़ कर लेते हैं या घटाव कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मानते हैं, 1 7 कैल्सियम 7 हो जाएगा, तो -7 अब प्लस 5 ये हो जाएगा -2/7, इस साइड है मेरा -x, इधर भी माइनस है इधर ही माइनस है, दोनों साइड का माइनस कट जाएगा, तो मेरा x इक्वल टू हो जाएगा 2/7। देख लेते हैं 2/7 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, तो b हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी बीन कौन सी है, इसमें सबसे छोटी बीन कौन सी है, इसको क्या करेंगे, अगर मेरा सब नंबर छोटा में गिवन 3/8 1/2 1/4 2/5, ये अगर छोटा नंबर है तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में लिख के भी फाइंड कर सकते हैं। अगर बड़ा नंबर होगा तो उसके लिए नीचे वाले डिनोमिनेटर या हर को क्या करेंगे, इक्वल करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको एलसीएम निकाल के सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए इसको देख लेते हैं। स्मॉल में इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0 पॉइंट, हो जाएगा मेरा 3 समथिंग हो जाएगा, इसको 0 पॉइंट हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा 4, तो इसमें सबसे छोटी कौन सा 0.24, तो मेरा 1/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये वाला 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक भी हम बताते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमको बनाना होगा तो फिर 6 में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करके पॉइंट में लाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम थोड़ा सा लेगा। शॉर्ट में एक तरीका क्या है, अगर देखते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर कितना है, 6 और 7 का अंतर 1 है, 8 और 9 का अंतर 1 है, 9 और 10 का डिफरेंस 1 ही है, 7 और 8 का डिफरेंस 1 है, सभी में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर 1 है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, जो ऊपर वाले का अंश बड़ा होगा वह बड़ा संख्या होगा। इसमें देखते हैं 6/7 है, 8/9 है, 9/10 है और 7/8 है। अंश इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा मेरा 9/10। अब देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, जिसका क्या नाम है, अंश जो सबसे छोटा है, ये क्या हो जाएगा 6/7। ठीक है, और इसका क्या अंतर बोल रहा है, इसको हम घटा लेते हैं, इक्वल टू कर लेंगे, इसका 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, 10 से 70 में डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, माइनस कर देंगे 7 से 70 कटेगा 10 टाइम्स, 10 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, ऊपर हो जाएगा मेरा 3/70। देख लेते हैं ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें शॉर्ट तरीका क्या मतलब है, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर 1 होगा तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वह बड़ा होगा, सभी में सेम होना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन में उस समय गिवन आएंगे सभी को देखेंगे, ये नहीं एक का रहेगा तो उसके हिसाब से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखेंगे, शॉर्ट तरीका है। नेक्स्ट है 24। अब क्या करें, इसमें 11 से विभाज की हमको बात कर रहा है। ठीक है ना, 11 से विभाज होगी तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, पहले इवन प्लेस के नंबरों को ऐड कर लेते हैं, फिर ऑड प्लेस के नंबरों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को घटाएंगे। अगर ठीक है ना, इवन मैंने सम प्लेस, इवन प्लेस और माइनस ऑड प्लेस के नंबर को इक्वल टू घटाते हैं, उसके बाद या तो 0 होगा नहीं तो 11 से कटने वाला हो, 0 हो आ जाए या 11 से कटने वाला हो, तभी वह संख्या क्या है, 11 से कटेगी। चलिए पहले इवन प्लेस, पहले ऑड प्लेस पर देखते हैं, 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, ऐड कर लेते हैं, ये 9 और 8 हो जाएगा 17 और 7 हो जाएगा मेरा 24, ऐड कर लिए, और इसके बाद मेरा ऑड प्लेस है, y है, 0 है और इसके बाद 1 है, इसमें से हमको घटाना है y=0=1। इवन प्लेस के नंबर को 987 को 24 ला दिए, ऐड किए, उसके बाद y जोड़ 0 जोड़ 1, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो y प्लस 1 हो जाएगा, 24 माइनस y प्लस 1। अब हमको क्या करना है, ये हमको अगर 0 लाने के लिए इस पूरे नंबर को, इसको हमको क्या लाना पड़ेगा, 24 लाना पड़ेगा,
जो कि वाई यहाँ पर एक अंक में है, तो यहाँ पर हमको इसको 24 करने के लिए यहाँ वाई की जगह 23 लाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमको एक अंक का नंबर लिखना है। दूसरा केस है जीरो तो ला नहीं सकते। अब ऑप्शन है ये 11 से कटने वाला होना चाहिए, तो 11 से कटने वाला संख्या यहाँ पर 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है। 11 तो होगा नहीं, इतना नंबर तो हम घटा नहीं सकते, 33 तो नहीं कर सकते हैं, तो 24 है। इसमें से अगर दो घटा रहे हैं तो हमारा 22 आ जाएगा, जो 11 से कट जाएगा। तो दो लाने के लिए y की जगह अगर एक रखते हैं, एक प्लस एक तो दो हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू क्या हो सकता है मेरा यहाँ पर 1 हो जाएगा। सबसे न्यूनतम बोला इसीलिए हम एक निकाल रहे, बड़ी संख्या पूछेंगे तो और भी हो सकता है, मे बी 9 करके क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, दो पूर्णांकों का गुणनफल 24 है, दो पूर्णांकों का गुणनफल 24 है, ठीक है। तो इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग 24 कौन कौन हो सकता है, 1 × 24 तो 24 हो जाएगा, 2 × मेरा 12 हो सकता है, उसके बाद 3 × 8 हो सकता है, इसका मतलब 4 × 6 हो सकता है, इसके बाद फिर लिख सकते हैं तो वही रिपीट हो जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा, 8 × 3 हो जाएगा, उसके बाद 12 × 2 हो जाएगा, 24 × 1 हो जाएगा। नीचे वाले जितने भी नंबर लिखे हैं ऊपर सब लगभग इक्वल ही है, रिपीट कर रहे हैं, ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25, इसको हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, 11 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, इसको कर देंगे ये फिर 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मिनिमम कौन है, 6 और 4 वाले ही है इसमें, इसको ऐड करेंगे 10 तो मिनिमम मेरा 10 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन, अभी इसके आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूला रिलेटेड है, कुछ के लिए कंसेप्ट है, तो उस पर देखेंगे। और पहले ही बोलेंगे एक क्वेश्चन को हम रखे हुए लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब एक साथ ही देखते हैं सभी में अंतर तो समझ में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इसको अवरोही क्रम में लिखना, मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखना है। तो एक तो कंसेप्ट होता है हम क्या करते हैं, भाग करके 0.2 मिला के वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो अब ये संख्या देखने में थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको भाग करके अगर पॉइंट भी लगा, पॉइंट में बनाएंगे तो फिर टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगेगा, एग्जाम में उतना टाइम तो रहता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको नीचे वाले के इक्वल करेंगे। इसमें 20 है, इसमें 15 है, इसमें 30 है, इसमें 10 है। अगर 20, 15, 30 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 60, ठीक है। आई होप कि सबको पता होगा, निकाल लेंगे 60 होगा, ठीक है। चलिए तो 60 होगा तो -11/20 को अगर नीचे वाले को 60 करना है तो कितना से मल्टीप्लाई, 3 से नीचे और 3 से ऊपर करेंगे, -33/ हो जाएगा 60। इसके बाद सेकेंड वाले को देख लेते हैं, 7/-15 है, नीचे 60 करने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर से भी करेंगे ये हो जाएगा 28/ हो जाएगा 60। इसके बाद अगला देख लेते हैं, 17/ हो जाएगा, -17/30 गिवन है, इसको क्या करते हैं 60 लाने के लिए ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, 34/60 हो जाएगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। इसके बाद दिया हुआ है -3/10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 लाने के लिए, 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा -18/ हो जाएगा 16। अब देख लेते हैं इसमें जो नीचे का तो नंबर सब सेम है, जो ऊपर वाला बड़ा होगा वह बड़ा संख्या होता है, जो छोटा होगा वह छोटा संख्या होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें माइनस है, उसका उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर जो बड़ी संख्या होगी इसमें बड़ी ना होगी छोटी, इसमें तो ऊपर बड़ी सबसे बड़ी संख्या 34 है, सबसे बड़ी होना चाहिए, लेकिन माइनस सब में माइनस है, ये सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी, इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी एक नंबर, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 नंबर, यह हो जाएगा 3 नंबर, यह हो जाएगा मेरा 4 नंबर। अब इसको देख लेंगे सीक्वेंस में, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 कर, चलिए ठीक है हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, इसके अकॉर्डिंग, ये तो क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना होगा तो मेरे पास, करने का अर्थ है इसको हमको घटते क्रम में लिखना है, तो पहले -3/ कितना हो जाएगा 10, उससे छोटी संख्या हो जाएगी मेरा 7/15 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 11/ हो जाएगा 20, माइनस में सब है, और इसके बाद हो जाएगा मेरा 17/30, ठीक है, इसको बना लेंगे। चलिए इसके बाद 27 में क्वेश्चन देखते हैं, ये किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि हो जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है भिन्न में। चलिए इस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में रहते हैं क्वेश्चन। चलिए तो मान लेते हैं हम भिन्न को मान लेते हैं x/y, ठीक है। तो क्या कर रहा है, भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि कर रहा है, तो भिन्न का अंश ऊपर वाला 1 है, उसमें हम 4 को ऐड कर देते हैं, ठीक है।
तो कह रहा है कि भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो जो भिन्न मेरा है x by y, इसमें कितना इंक्रीज कर दे रहा है 2/3, तो इक्वल करेंगे ना इसमें, अंश को जब 4 ऐड कर रहे हैं अंश में, तो जो नया भिन्न जो बनना है वो इसके इक्वल टू होगा, किसके इक्वल टू, जो ऑलरेडी पहले का जो मेरा ओरिजिनल भिन्न है उसमें 2/3 ऐड करेंगे उसके इक्वल टू हो रहा है, उतना बढ़ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2y अपॉन हो जाएगा 3y, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देते हैं, इसके बाद हो जाएगा मेरा 3y में से करेंगे 3xy हो जाएगा और प्लस 12y इक्वल टू हो जाएगा, अब y से इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 3xy प्लस 2y स्क्वायर, 3xy 3xy दोनों साइड कट जाएगा, 12y इक्वल टू 2y, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 12y इक्वल टू 2y स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, आप 2 से इसको काट सकते हैं 6 में, तो 6y इक्वल टू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से y काट लेंगे तो y का वैल्यू मेरा 6 हो जाएगा, एक ये है, लेकिन अभी जो ये बनाए हैं ये सही तरीका बनाने का नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2y स्क्वायर माइनस में इधर हम 12y लाएंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, 2y कॉमन लेंगे, y माइनस 6 इक्वल टू 0, अब यहाँ से y इक्वल टू 6 निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन मेरा हो जाएगा ये नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले जो टॉपिक आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन भी देखेंगे, थ्री जोन पे क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, पहला देख लेते हैं, ये फर्स्ट में क्वेश्चन दिया 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना, ऐड का नाम को नंबर, सब नेचुरल नंबर के हिसाब से, अगर शुरू से 1 से कोई नंबर दिया उसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। चलिए नंबर कहाँ तक है, 10 तक, 10 का वैल्यू मेरा 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा 11 अपॉन 2, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स में, 5 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 55 हो जाएगा, चलिए बन जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे पास है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 20, ये मेरा पास दिया हुआ है, इवेन नंबरों को ऐड करना है, तो इवेन नंबरों को ऐड करने के लिए यहाँ पर तो एक फॉर्मूला मेरे पास हो जाता है कि इवेन नंबर को ऐड करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। चलिए तो n इंटू एन प्लस 1 मेरा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, चलिए इसको देख लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर मेरा हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये n का वैल्यू यहाँ 20 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको नंबर को काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट करेंगे, तो 20 है तो उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि 2 सब में 2 इंक्रीमेंट किया हुआ है, इसका हाफ हो जाएगा 10, n का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 की 108 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखें कि इवन नंबर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला बना था n इंटू एन प्लस 1। अब ऑड नंबर वाले देख लेते हैं, अगर सीक्वेंस में 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 जिसके लिए n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, नेचुरल नंबर के एडिशन का फॉर्मूला होता है ये, इवन नंबर के एडिशन का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, ऑड नंबर के लिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, 1 से लेके 11 तक लिखा हुआ है, ठीक है, 1 से लेके 11 तक लिखा हुआ है, इसमें नंबर है कितना, ये नंबर 11 नहीं लिखेंगे, नंबर को काउंट कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर कितना है मेरा 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 36, ठीक है, नंबर को है इनका लास्ट डिजिट को नहीं देखेंगे, इसको नंबर काउंट करके लिखा जाता है, ठीक है ना, 36 है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, इसके लिए कोई सीरीज का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए हम उसको उपयोग करेंगे, इसमें कुछ कॉमन लेंगे, जैसे कि सभी में 3 से सब कटने वाला है, सभी से 3 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लेके 7 तक हो जाएगा, 3 से 3 निकल जाएगा 1 बचेगा, 6 से 3 निकल जाएगा 2 बचेगा, इस हिसाब से कर लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 7 तक कंटिन्यू किया हुआ, इसका फॉर्मूला को उपयोग कर लेंगे, तो 3 इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n का वैल्यू 7 तक है, 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 1 इसमें हो जाएगा 8 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स में, 4 में 7 से कर लेंगे हो जाएगा 28, 28 में 3 से कर लेंगे 4 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। चलिए
अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 है संख्या, 1 से 39 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 39 तक की विषम संख्या। अब पहले समझ लेते हैं, 1 से लेके अभी ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था 1 + 3 + 5 + 7 11 तक की विषम संख्या, ठीक है। तो 1 से लेके 39 तक की विषम संख्या, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला हमने लगा देंगे, 1 से लेके 39 तक के नंबर को ऐड नहीं करेंगे, इस वाला फॉर्मूला का नहीं उपयोग करेंगे। इसमें हम किसका उपयोग करेंगे, अब 1 से लेकर 39 तक विषम संख्या पहले है कितनी, ठीक है, तो उसको लिखने में तो हमको टाइम लगेगा, तो इसके लिए क्या जैसे कि लिखना पड़ेगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 करके लिखने में हमको वहां टाइम लगेगा, जितना देर लिखेंगे उतना देर में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर इवन नंबर के लिए भी रहेगा और ऑड नंबर के लिए भी रहेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, हमारे पास इवन रहता है फॉर्मूला एक्चुअली याद नहीं रहेगा तो फिर इसको बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, हमको पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, इसमें विषम संख्या क्रमिक रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम n का वैल्यू कहाँ से रख लेंगे, n का वैल्यू क्या करेंगे निकालने के लिए, क्या करेंगे n के जगह इस दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, n यहाँ पर मेरे कितना हो जाएगा 1 से 39 कितना हो जाएगा, हाँ अब यहाँ n का वैल्यू हम 39 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कितना 39 + 39 + 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40/2, इसका स्क्वायर करना है, इस साइड स्क्वायर करना है, तो 40/2 करके हो जाएगा 20 है, 20 के स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा मेरा यार 400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर हमको लिखना पड़ेगा, लिख को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं, क्वेश्चन है सीरीज में, सीरीज का ही क्वेश्चन है, इसके लिए फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो उसका इसको क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1² + 2² + 3² फॉर्मूला इसका होता है n (n+1) 2n+1/1 हो जाएगा 6, तो यहाँ 5 तक है तो n का वैल्यू हो जाएगा 5 और 5 + 1 हो जाएगा 6, अब 5 + 10 + 1 हो जाएगा 11/6 हो जाएगा 6, 6 से 6 कट जाएगा, 11 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 55 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n (n+1) 2n+1/6, यह अगर कंटिन्यू प्रकृत संख्याओं का अगर स्क्वायर करके एडिशन है तो इस फॉर्मूला को उपयोग। अब क्यूबिक के लिए फॉर्मूला होता है n(n+1)/2, इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है। n कहाँ तक, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 × 5 + 1 हो जाएगा मेरे पास 6/2, इसका करना है स्क्वायर। अब 2 से 6 कर जाएगा 3 टाइम्स, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15 और 15 का स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा 225, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं रहेगा तो समझिए कितना टफ हो जाएगा, इसको अब क्यूब कर करके सबको उसके बाद ऐड कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया है, चलिए दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे, तो देख लेते हैं। इसमें 1 है 3 है 5 है, इस तरह करके क्या हुआ 7, 9 करके 11 तक पहुंचेगा, तो ऑड नंबर मेरा प्लस में है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, इसको अलग से ऐड कर लेंगे। उसके बाद इवन नंबर है जो माइनस में, -2, -4, -6, -8, -10, इसको एक साइड ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, चलिए इसको क्या करें, 1 से लेके 11 तक 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड नंबर है, तो इसको कितना है, 1 से चालू इसलिए इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिया हुआ है, ऑड नंबर है जिसका फॉर्मूला रहता है n² n की जगह 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ऐसे भी ऐड करेंगे तो मेरा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके लिए इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n (n+1) यहाँ n 2 से ही चालू है 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 × 5 + 1 = 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है इसमें 36 ये प्लस में है ये माइनस में है, ये प्लस वाले में से माइनस वाले अगर डालेंगे हो जाएगा 36 - 30, ये मेरे कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन होता है। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए हैं
सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को अगर सही से सारे क्वेश्चन को आप समझ गए हैं तो आप किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा या सीटी में ऑलरेडी सीटीटी में ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन पर हम डिस्कशन किए हुए, ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।